आज हम पढ़ेंगे क्यूब रूट फाइंड करने की एक सिंपल टेक्निक, जिसमें हम लोग बड़े से बड़े नंबर का क्यूब रूट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी 1 से लेकर 10 तक के जो भी नंबर है उसके क्यूब्स की। तो हम लोग ने ये लिख दिए। अब इसमें पर्टिकुलर हमको क्या देखने का है, जो लास्ट नंबर है वो देखने का है, 7। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेंगे। सबसे पहले हमको फाइंड करना है क्यूब रूट ऑफ 140608। अब ये नंबर एज इट इज लिखे, क्योंकि क्यूब रूट है इसलिए हमको लास्ट के तीन डिजिट छोड़ना पड़ेगा। अब यहां में लास्ट नंबर देखना पड़ेगा 8। यहां पे 8 कहां आ रहा है, यहां वो किसका क्यूब है, 2 का, तो यहां नंबर देंगे 2। अब ये नंबर क्या है, 140। अब 140 किसके क्यूब के अंदर आ रहा है, 5 और 6 के, तो हम लोग क्या लेंगे, छोटा वाला नंबर लेंगे, तो 125। ये किसका क्यूब है, 5 का, तो हम लोग लिख देंगे इधर 5। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 39304। हम लोग को क्या लिखना है, नंबर एज इट इज लिखने का है। अब हम लोग पार्ट्स करेंगे इसके, तीन डिजिट छोड़ेंगे लास्ट से। अब लास्ट में क्या है, 4 है, तो यहां 4 कहां आ रहा है, लास्ट में यहां, वो किसके क्यूब है, 4 का, तो हम लोग लिखेंगे इधर 4। अब ये देखेंगे ये नंबर 39 किसके बीच में आ रहा है, 27 और 64 के, तो हम लोग क्या लेंगे, छोटा नंबर लेंगे, तो 27 लेंगे, वो किसका क्यूब है, 3 का, तो हम लोग ने इधर लिखे 3। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब हम लोग तीसरा एग्जांपल लेंगे, हमको फाइंड करना है क्यूब रूट ऑफ 79507। हम लोग ने नंबर लिखे 79507, हमको एज इट इज लास्ट के थ्री डिजिट छोड़ना है। अब ये 7 कहां आ रहा है, यहां आ रहा है, ठीक है, तो किसका क्यूब है, 3 का, तो हम लोग ने 3 लिख दिए। अब 79 किस बीच में आ रहे हैं, 64 और 125 के बीच में, तो हम लोग क्या लेंगे, छोटा नंबर लेंगे 64, किसका क्यूब है, 4 का। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब फोर्थ वन एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, हमको फाइंड करना है क्यूब रूट ऑफ 262144। ठीक है, हम लोग नंबर लिखेंगे 262144। अब आपको लास्ट के थ्री डिजिट छोड़ना है, अभी 4 है, 4 कहां आ रहा है, ठीक है, 4 का क्यूब है, तो हम लोग लिखेंगे 4। अब ये नंबर लिखेंगे, ये नंबर किसके बीच में आ रहा है, तो हम लोग देख सकते हैं 216 और 343 के बीच में आ रहा है, तो हम लोग क्या लेंगे, छोटा नंबर लेंगे 216, इसका क्यूब है 6 का, तो हम लोग ने लिख दिया इधर 6। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। और एग्जांपल देखेंगे हम लोग क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर। सबसे पहले हमको नंबर लेना है 328509, तीन डिजिट छोड़ना है। अब ये लास्ट नंबर 9 लिखेंगे, लास्ट नंबर 9 कहां आ रहा है, यहां आ रहा है, ठीक है, वो किसके क्यूब है, 9 का, तो हम लोग लिखेंगे 9। अब ये नंबर देखेंगे 328, वो किसके बीच में आ रहा है, 216 और 343 के बीच में, तो हम लोग क्या देखेंगे, कभी भी उससे छोटा वाला नंबर देखेंगे, तो क्या आएगा हमारा 216, वो किसका है, 6 का है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सेम ही हम लोग सबसे पहले नंबर लिखेंगे 375, तीन डिजिट छोड़ेंगे। अब देखेंगे हम लोग कि 5 कहां आ रहा है, लास्ट नंबर यहां पे, किसका है क्यूब, 5 का है, तो 5 लिखेंगे। अब ये नंबर देखेंगे किसके क्यूब के बीच में आता है, 857 कहां आ रहा है, ये 9 और 10 के बीच में, हमको छोटा नंबर देखना है, तो ये किसका है, 9 का, तो हम लोग ने लिखे 95। ये हो गया आपका फाइनल आंसर।